जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज की क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, बेहतरीन होंगे। अब बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। अब मुसलमान भाइयों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो, बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ मेरी क्लासेज आपको बहुत अच्छी लग रही है। और मैंने जैसा बताया है कि मैंने अपने गुरु की क्लास भी अपलोड करने लगा हूँ। हाँ, ये जरूर है कि क्लासेस जो उनकी चल रही है वो भी बीच से है, लेकिन बहुत ही जल्द हम उनकी स्टार्टिंग से क्लास अपलोड करेंगे, एक जब नया बैच बनेगा तब। लेकिन अभी क्या है, अभी वो आर्टिकल पढ़ा रहे हैं तो कभी कदार आगे पीछे होता रहेगा, उसके लिए आप लोग परेशान ना हो। बहुत ही जल्द नया बैच बनेगा तो हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से उनकी क्लासेस दिखा देंगे, अपलोड कर देंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में। इससे पहले हमने तुगलक वंश के बारे में पढ़ा था, जिसका शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक चलता है। तुगलक वंश की समाप्ति होने के बाद, खात्मा होने के बाद एक नए वंश का जन्म होता है, जिसे हम सैयद वंश के नाम से जानते हैं। सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक चलता है, 14 से लेकर 14 तक और 1451 तक चलता है, ठीक है। तो सैयद वंश में हमने क्या हम क्या क्या पढ़ना है। सैयद वंश में हमने सबसे पहले पढ़ना है खिज्र खां के बारे में, फिर मुबारक शाह के बारे में, फिर मोहम्मद शाह के बारे में और फिर उसके बाद अलाउद्दीन शाह के बारे में। सैयद वंश खत्म होने के बाद हम लोग सैयद वंश क्या है खत्म होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे लोदी वंश के बारे में, जैसे बहलोल लोदी हैं, इब्राहिम लोदी हैं, ठीक है, इन सब चीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी सारी क्लासेस आपको बहुत अच्छी लगती होगी और मेरी बात आपको समझ में आती होगी। तो आइए बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमें देखना है कि खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है, वो खिज्र खां को हो, ठीक है। खिज्र खां के बाद उसके बेटे मुबारक शाह शासन करता है, मुबारक शाह के बाद उसका बेटा मोहम्मद शाह करता है, फिर अलाउद्दीन आलम शाह करता है, ठीक है। तो खिज्र खां की जो काल अवधि है वो 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक चलता है। उसके बाद मुबारक शाह की जब बारी आती है तो ये 1421 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठते हैं और 1434 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। फिर मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह के बारे में जब पढ़ेंगे तो मोहम्मद शाह 1434 ईस्वी पे बैठते हैं और 1445 ईस्वी तक उनका शासन चलता है। फिर इसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन महमूद आलम शाह के बारे में, अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में। इनका जो शासन काल चलता है वो 1445 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक चलता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्या, खिज्र खां के बारे में पढ़ना। तो देखिए मैं आपको ये बता दूं कि सैयद वंश की संस्थापक जो थे उसे खिज्र खां को ही माना जाता है, ठीक है। तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था, कौन था, खिज्र खां। खिज्र खां का शासन कब तक चलता है, 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक चलता है। यह तैमूर लंग का सेनापति था। सैयद वंश का जो संस्थापक था खिज्र खां, ये कौन था, ये तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर लंग जब भारत से वापस जाने लगा था तो इसने अपना सारा चीज जो है इसको सौंप देता है, ठीक है। सल्तनत काल में शासन करने वाला यह एकमात्र सिया वंश था। देखिए मुस्लिम समुदाय में भी कई बिरादरियों में, कई काम चीजों में, कई फिरनों में बटा हुआ है, सिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, दुनिया भर की चीजें चीजें, ठीक है। तो उसी में से एक सिया वंश है, कौन था ये, जो खिज्र खां था। तो सल्तनत काल में शासन करने वाला, दिल्ली सल्तनत काल में शासन करने वाला या एकमात्र सिया वंश था, कौन, खिज्र खां, ठीक है। सैयद वंश की स्थापना जो होती है तो खिज्र खां को
ने भारत से लौटते समय इसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर, कौन कौन सा, लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया। जब तैमूर लंग भारत से अपना लूट मार करके जो भी चीजें उसके पास थी जब वापस जाने लगा, इसने अपने सेनापति खिज्र खां को मुल्तान मुल्तान ठीक है लाहौर और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त कर देता है। इसने जब ये नियुक्त हो जाता है और तैमूर लंग वापस चला जाता है, लेकिन खिज्र खां कभी भी सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं की थी, ये चीज याद रखें ठीक है। खिज्र खां ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि रैयत आला, क्या रैयत आला की उपाधि ली। इसकी रैयत आला, रैयत ए आला की उपाधि ली। खिज्र खां ने दौलत खां को पराजित करके दिल्ली का एक स्वतंत्र शासक बन जाता है। ठीक है, क्या कर देता है, खिज्र खां के बीच एक युद्ध होता है, किसके खां, दौलत खां। दौलत खां कौन था, यह शासन कहां के थे, पंजाब के ठीक है। तो इनके बीच क्या होता है, एक युद्ध होता है ठीक है, और युद्ध में जो है दौलत खां को यह पराजित करके दिल्ली सल्तनत को, दिल्ली का एक स्वतंत्र शासन शासक बन गया ठीक है। यह तैमूर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दिखावा करता था। ये दिखावा करता था किसको, तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख को। तैमूर लंग के पुत्र के क्या नाम था, तो शाहरुख नाम था। तो शाहरुख को यह दिखावा करता था कि हम आपके प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये अंदर अंदर अपना हर एक चीज को फॉलो करता था, फॉलो कराता था, अपना ही हर एक चीज को मनवाता था लोगों से, लेकिन ये शाहरुख को कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि हम आपके अंडर काम नहीं करते। तो शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का ये क्या करता था, ये दिखावा करता था। और इसकी मृत्यु जो है 1421 ईस्वी में हो गई, मतलब हो जाती है। देखिए आपको इनके बारे में, देखिए मैं हिस्ट्री आपको लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको हर एक चीज बहुत क्लियर हो जाए ठीक है। मैं कोई भी चैप्टर छोड़ता नहीं, छोड़ूंगा भी नहीं ठीक है। क्वेश्चंस वहां से बने या ना बने वो अलग बात है, एग्जामिनर है, उनका मूड है, वो कभी भी क्वेश्चन कहीं से भी बना सकते हैं। इसके लिए आप लोग इसको भी पढ़ते जाएं, परेशान ना हो ठीक है। और इतनी ही चीज आपको खिज्र खां के बारे में पढ़ना है, खिज्र खां के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जहां तक मेरा मानना है कि सैयद वंश में बहुत कुछ ज्यादा, बहुत ही ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। पढ़ना कब पड़ेगा, जब आपको बाबर जब भारत आएगा उसके बारे में, जब मुगल सम्राट स्थापना होगी उस वहां से आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी ठीक है। उसके लिए आप परेशान ना हो, हम आपको सारी चीजें क्लियर कराते चलेंगे। तो जब खिज्र खां की मृत्यु हो जाती है 1421 ईस्वी में, इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा मुबारक शाह 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक शासन करता है। तो देखिए खिज्र खां की मरने के बाद मुबारक शाह का पूरा नाम क्या था, पहला सही नाम क्या था, मुबारक खां, लेकिन ये मुबारक शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है ठीक है। देखिए खिज्र खां के बाद इसका पुत्र मुबारक खां जो ठीक है, मुबारक शाह के नाम से मई 1421 ईस्वी में बैठता है ठीक है। दिल्ली का सुल्तान बनता है कौन, 1421 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनता है कौन, 1421 ईस्वी में मुबारक शाह। आगे देखें, और सुल्तान की उपाधि के साथ 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 उसने शाही नामक की भी उपाधि धारण की। एक चीज ये देखें आप लोग को ये याद रख लीजिएगा कि बाप ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। बाप कौन, खिज्र खान। खिज्र खान ने कभी भी उपाधि धारण नहीं की, लेकिन रैयत आला के उपाधि से ये संतुष्ट था। लेकिन जैसे ही खिज्र खान की मौत हो जाती है,
ठीक है। 1421 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो 1421 ईस्वी के बाद जब इसका बेटा दिल्ली की सल्तनत पे बैठता है 4 मई 1421 ईस्वी में, इसने सुल्तान की उपाधि के साथ साथ क्या कर दिया, सुल्तान की उपाधि के साथ साथ उसने शाही नामक की भी उपाधि धारण कर ली। ठीक है, बाप रहा, कहते हैं कावत बाप रहे अंधेरी में, बेटे का नाम पावर हाउस। ठीक है, वही हाल था, बाप एक संतुष्ट था किससे, रयत आला की उपाधि से, लेकिन बेटे ने क्या किया, सुल्तान की भी उपाधि धारण कर ली और इसकी शाही नामक की भी उपाधि धारण करके मुबारक शाह दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ जाता है। मुबारक खां सैयद वंश का, मुबारक खां सैयद वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है, ये जो बंदा था, ये सैयद वंश का, जो सैयद वंश में कितने शासक हुए हैं, तो 4 शासक हुए हैं, तो इन 4 शासकों में ये सबसे महान शासक था। ठीक है, अब मुबारक खान ने 1433 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद, आप नाम रिलेट कर लेंगे कि मुबारक खां कौन, मुबारक खां से रिलेट करेंगे मुबारकाबाद। ठीक, ये कहां पर है, ये है कहां पर, तो यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक शहर को इसने बसा दिया, किसने, मुबारक शाह ने। इसके दरबार में एक इतिहासकार था जिसका नाम याहिया बिन अहमद सरहिंदी था। ठीक है, एग्जाम में सिर्फ कभी कभी सरहिंदी ही आ जाता है, तो उसके लिए आप लोग परेशान ना हो कि एमएस सर ने तो कहा था कि यहिया बिन अहमद था, तो यहिया बिन अहमद सरहिंदी, इसका पूरा नाम है यहिया बिन अहमद सरहिंदी। इसने एक मुबारक शाह की तारीफ में, मुबारक शाह की जीवनी पे इसने एक किताब लिखी जिसका नाम है तारीख मुबारक शाही। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जरूर नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक खिजर खां के बारे में पढ़ लिया, उम्मीद करता हूं खिजर खां के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से हर एक चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए, खिजर खां के बाद मोहम्मद शाह, खिजर खां और मुबारक शाह के बारे में हम लोगों को पढ़ लिया था, मुबारक शाह के बाद अब हम लोग मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ेंगे। पहली चीज जान ले, खिजर खां का बेटा मुबारक शाह, मुबारक शाह का बेटा मोहम्मद शाह, और उनके साहबजादे कौन, अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, तो मोहम्मद शाह के बारे में कहा जाता है कि 1434 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठते हैं और 1446 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। देखिए, मुबारक शाह के बाद किसके, मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह, ठीक है, कौन, मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। इसका वास्तविक नाम जो था वो मोहम्मद बिन फरीद खान था, ये याद रखें, क्या नाम है, मोहम्मद बिन फरीद खान। किसका वास्तविक नाम था, तो मोहम्मद शाह का, मोहम्मद शाह का सही नाम जो था वो मोहम्मद बिन फरीद खान था। ठीक है, यह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ था। ठीक है, इसके अंदर कोई योग्यता नहीं थी, ये शासन करने योग्य नहीं था, इसीलिए ये एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। ठीक है, और ये अपनी अयोग्यता की से यह सैयद वंश के पतन का कारण बना। मतलब एक तरीके से कुछ किताबों में ये भी कहा गया है कि मोहम्मद शाह अपनी अयोग्यता की वजह से सैयद वंश का पतन का मार्ग बन जाते हैं, पतन के कारण बन जाता है, मतलब मार्ग बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया है कि सैयद वंश के पतन का कारण बना, चाहे मार्ग बना हो, रास्ता बना हो, चाहे कारण बना हो, दोनों एक चीज है। ठीक है, तो यह सैयद वंश के पतन का कारण बनता है। आगे देखें, इसके वजीर का नाम था सखरुल मुल्क, क्या नाम था, सखरुल मुल्क, बड़ा सा लिख दें आप लोग देख लीजिए, सखरुल मुल्क, ये इसके वजीर का नाम था।
और इसी वजीर ने इसके शासन को, साम्राज्य को एक लंबे समय तक अपनी योग्यता से संभाले रखा, समय तक संभाले रखा। मोहम्मद शाह ने इसे खाने जहां की उपाधि प्रदान की, और उपाधि प्रदान करने के जो 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बैठते हैं इनके बेटे अलाउद्दीन आलम शाह। देखिए यहां पे मैंने डेट गलत हो गया है, ये होगा आपका 1445 से लेकर 1451 ईस्वी तक करते हैं, क्योंकि 1451 के से ही आपका बहलोल लोदी की सल्तनत चालू हो जाती है। तो क्या हुआ, अलाउद्दीन शाह आलम शाह ने 1445 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। यह सैयद वंश का अंतिम शासक था, इसने आलम शाह की उपाधि धारण की थी। याद रखें, मैं जो भी चीज अभी इसमें पढ़ा रहा हूं, इसमें खास तौर से आपको सिर्फ उपाधियां याद रखनी है कि किसका वास्तविक नाम क्या था और किसने कौन सी उपाधि धारण की थी, ये ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका वास्तविक नाम क्या था, मोहम्मद बिन फरीद खान। इन्होंने कौन सा उपाधि धारण की थी, तो आलम शाह की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन आलम शाह, ये जो अलग से आलम शाह है, इसी से आप रिलेट कर लीजिएगा। गद्दी पे बैठा और हमीद खान इसका वजीर था। इससे मतलब हमीद खान और अलाउद्दीन खान के बीच मतभेद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा एक तरीके से समझ लीजिए, कंफ्यूजन या फिर लड़ाई झगड़ा समझ लीजिए, कुछ भी समझ लें। इसकी होने की वजह से ना कारण अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली छोड़कर बदायूं चला जाता है, ठीक है। कौन चला जाता है, अलाउद्दीन आलम शाह जो है दिल्ली को छोड़कर जो है वो बदायूं चला जाता है, और वहीं इसकी मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु बदायूं में हो जाती है, कब, 1451 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद इसका जो वजीर था हमीद खां, वो दिल्ली का जो सारा राजपाट था उसने बहलोल लोदी को सौंप दिया। किसको सौंप दिया, बहलोल लोदी को सौंप दिया, बहलोल लोदी को सौंप दिया। याद रखें कि सैयद वंश में आपको बस जितनी चीजें मैंने आपको बताई है, जितनी मैंने चीजें आपको समझाई, इतनी ही चीजें आपको पढ़नी है। इससे ज्यादा कुछ भी एग्जाम में नहीं आते और ना ही इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि किताबों में भी इतनी ही, और जो भी चीज मैंने पढ़ी है वो भी सिर्फ मैंने इतना ही पढ़ा, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। इसलिए मैं आपको अपने हिसाब से और अपने तरीके से मैं कुछ नया नहीं दे सकता, क्योंकि इतिहास जो लिखा है गया है मैं वही आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर 1451 के बाद से एक नया वंश की स्थापना होती है, वो नए वंश का नाम होता है लोदी वंश। कौन सा वंश, लोदी वंश। तो लोदी वंश में हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग पहले एक बात देख लें। तो लोदी वंश में पहले हमें पढ़ना है बहलोल लोदी के बारे में, जिनका शासन काल चलता है 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक। उसके बाद पढ़ना है सिकंदर लोदी के बारे में, जिनका शासन काल चलता है 1489 से लेकर 1543 ईस्वी तक। फिर उसके बाद शासन चलता है इब्राहिम लोदी का, तो इब्राहिम लोदी का शासन जो होता है वो चलता है 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं हम सबसे पहले बहलोल लोदी के बारे में। इसको अगर नोट नहीं किए हो जल्दी से लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक सैयद वंश के बारे में देख लिया, अब हम लोग देखेंगे बहलोल लोदी का शासनकाल, जो लोदी वंश की शुरुआत करते हैं। 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक बहलोल लोदी शासन करते हैं, कहां पर, दिल्ली की राजगद्दी पर। देखिए बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक माना जाता है, माना जाता है क्या है, मानते ही है वो है ही, इसी ने ही बहलोल लोदी ने ही दिल्ली वंश पर लोदी वंश की संस्थापक स्थापना की। इसको ये चीज दिल्ली राजगद्दी किससे मिली, आपको मैंने बताया था, इससे सैयद वंश के अंतिम शासक किसके, अलाउद्दीन आलम शाह के वजीर से, क्योंकि अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश के सबसे नाकारे निकम्मे बेकार तरीके के राजा थे, ठीक है। तो इसके इनकी मृत्यु होने के बाद जो है ना, आलम शाह की मृत्यु होने के बाद इसके वजीर ने
हमीद खान ने दिल्ली का राजपाट पूरा किसको दे देते हैं? बहलोल लोधी को दे देते हैं। तो बहलोल लोधी जो है लोधी वंश का संस्थापक था, इसने प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की। किसने? बहलोल लोधी ने। क्या चीज की? बहलोल लोधी ने प्रथम अफगान की स्थापना की थी। अब बहलोल लोधी की सेना तथा महमूद शाह की सेना ने पानीपत के किनारे एक जगह है नरेला, नरेला नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें बहलोल लोधी कौन है, ग्वालियर के अंतिम युद्ध के बाद जो है ना। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, बिल्कुल डिटेल में आप पढ़ते चले, मैं फिर से आपको एक रिवीजन कर दूं कि बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था, इसने प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की थी। बहलोल लोधी की सेना तथा महमूद शाह की सेना के बीच पानीपत के करीब नरेला नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कहां पर हुआ था, पानीपत के करीब हुआ था। कहां पर पानीपत के करीब? तो नरेला नामक स्थान पर हुआ था। अच्छा आगे देखें, तो इस युद्ध के बाद, ग्वालियर के अंतिम युद्ध के बाद, ठीक है, एक युद्ध हुआ जो ग्वालियर के अंतिम युद्ध के बाद बहलोल लोधी दिल्ली लौट रहा था, और लौटते ही समय इसको लू लग जाती है। लू क्या होता है वो तो आप लोग जानते होंगे बेहतरीन तरीके से, मुझे बताने की उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं, गर्मी के मौसम में धूप तेज होती है और हवाएं चलती हैं, तो लोग कहते हैं धूपों में ज्यादा बच्चे न निकले अन्यथा आपको लू लग जाएगा, ठीक है। तो वही दिल्ली लौटते समय बहलोल लोधी को लू लग जाने के कारण ये बीमार हो जाता है, ठीक है, और 12 जून 1489 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ चीजें हैं, इसकी मृत्यु कहां पे होती है ये भी देख ले। बहलोल लोधी की मृत्यु हो जाती है कहां पे? मिलावली में, ठीक है, मिलावली एक जगह है रास्ते में, ठीक है, दिल्ली जाते वक्त, तो वहां पे इसकी मृत्यु हो जाती है। एक चीज और याद रखें, मैं आपको बता दूं, अब कुछ इसके द्वारा कार्य किए गए थे। अब आप सोचे होंगे सारे टीचर्स तो लिखवाते हैं कि बहलोल लोधी द्वारा किए गए कार्य, ठीक है, इसकी उपाधियां हेडिंग डलवा डलवा के, मेरे भाई मैं वैसा नहीं लिखवाता, ठीक है, मैं बिल्कुल एक कहानी तरह आपको इसे लिखवा देता हूँ, सिर्फ हेडिंग डालता हूँ, किसके बारे में आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। कहानी तरह आप याद रखेंगे, यकीन माने आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए इसकी मृत्यु हो गई, और तारीख दाऊदी, क्या नाम है, तारीख दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार बहलोल लोधी जब अपने सरदारों के बीच बैठता था वो सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर सबके साथ बैठता था, ठीक है। क्या हुआ कि तारीख दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार, मतलब अब्दुल्ला के किताब कौन सी लिखी गई किताब है, तो तारीख दाऊदी द्वारा, अब्दुल्ला द्वारा लिखी गई किताब तारीख दाऊदी है, ठीक है। इसके अनुसार ये बताया गया है, अब्दुल्ला ने बताया कि बहलोल लोधी जब अपने सरदारों के बीच, ये देखिए, जब अपने सरदारों के बीच बैठता था तो वो कालीन पर बैठता था ना कि सिंहासन पर, ठीक है, ये बहुत साधारण व्यक्ति था, ठीक है। ये जो अपने सरदार बहलोल लोधी एक ऐसा राजा हुआ जो बहुत ही साधारण राजा था। इसने क्या, ये क्या करता था, जब सिंह जब राज पे आता था, ठीक है, तो अपने सरदारों के बीच जब बैठता था तो वो कालीन पर बैठता था ना कि वो कभी सिंहासन पर बैठा, इसीलिए इसको बिल्कुल साधारण व्यक्ति कहा जाता है। बहलोल लोधी, क्या मैंने बताया, बहलोल लोधी अपने सरदारों के बीच जब आते थे तो हमेशा कालीन पर बैठते थे, उनके बराबर बैठा करते थे, ना कि वो सिंहासन पर बैठता था, ठीक है। देखें, और यह एक साधारण व्यक्ति था। बहलोल लोधी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? जौनपुर राज, जौनपुर राज कहाँ है, फूलपुर के आगे जौनपुर, मतलब जहां मेरा घर है वहां उसी के आगे क्या है, बासापुर, बासापुर के बाद जौनपुर, ठीक है। जौनपुर राज का दिल्ली में विलय हुआ, मतलब मिला लिया। दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय तक राज करने वाला राजा था कौन? बहलोल लोधी। कितने समय तक इसने किया था? तो 38 वर्षों तक इसने दिल्ली की राजगद्दी पर शासन किया था। कितने वर्षों तक? 38 वर्षों तक, ठीक है, शासन किया। अब बहलोल लोधी ने, देखिए ना, 1451 से लेकर 1489 तक किया, तो कितनी गैपिंग है, 38 साल तक, ठीक है।
बात समझ में आ गई। चले तो अब इसने क्या किया कि बहलोल लोदी ने सिक्के भी प्रचलित किए। यह दिल्ली सल्तनत का सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश था। तो ये भी याद रखेंगे पहला अफगान वंश कौन था, तो लोदी वंश जो है मतलब बहलोल लोदी जो संस्थापक थे वो क्या थे, ये पहला ये दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश था। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे देखें, अब हम पढ़ते हैं सिकंदर लोदी के बाद, और सिकंदर लोदी के बाद हम लोग पढ़ेंगे इब्राहिम लोदी के बारे में, ठीक है। सिकंदर लोदी 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी की मृत्यु होने के बाद इसके बेटे सिकंदर लोदी लोदी जो है दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। यह लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। सिकंदर लोदी सर्वश्रेष्ठ शासक हुआ है इस पर लोदी वंश का, ठीक है। तो लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था कौन, सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी ने कुशल सैन्य व्यवस्था तथा एवं गुप्तचर प्रणाली गठित की थी, ठीक है। गुप्तचर क्या हो, जासूस होते हैं जो छिप छिपा के अपना सारी जासूसी करते हैं, ठीक है। सैन्य व्यवस्था एवं गुप्तचर प्रणाली गठित की। इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। चलिए एक चीज आपको नई और मिल गई, आगरा में ताजमहल स्थित है, आपको पता ही है कहाँ और क्या स्थित है ताजमहल, जो बहुत ही जो 7 अजूबों में एक है, ठीक है। तो ये अक्सर याद हो आता है कि आगरा में कहाँ, आगरा में ताजमहल कहाँ स्थित है, तो आगरा में स्थित है। अब एक चीज आपको ये पता चल गई, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आगरा क्यों प्रसिद्ध है, ताजमहल की वजह से प्रसिद्ध है। आगरा की स्थापना किसने की थी, तो आगरा की स्थापना की थी किसने, सिकंदर लोदी ने, ठीक है। चलिए देखें, और 1506 में मात्र 2 साल बाद 1504 में स्थापना की किसकी, आगरा शहर की। अब 1506 ईस्वी में आगरा को सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी बना ली, ठीक है। यह फारसी में मतलब उपनाम क्या है, गुलरबी के उपनाम से कविताएं लिखता था, ठीक है। क्या लिखता था, कविताएं लिखता था। मैं एक चीज बहुत नई बताऊंगा आपको, वो ये कि कुतुब मीनार को जो बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर इल्तुतमिश ने उसकी मरम्मत कराई, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक चीज बताऊं, फिर जो आगे की मंजिल हुई थी वो सॉरी वो इल्तुतमिश ने बनवाया था, क्योंकि नींव रखी थी किसने, सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद बिल्डिंगें जो इमारतें उसकी बनी हैं मंजिलें, तो वो सब किसने बताया, इल्तुतमिश ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद देखें एक चीज आपको मैं आप बताऊं कि कुतुब मीनार की मरम्मत जो करवाई थी वो किसने करवाया था मरम्मत, ठीक है। अपने शासनकाल में इसने मरम्मत करवाया था, सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाया, ठीक है। तथा इसने भूमि नाप के लिए, भूमि नापी जाती है ना, भूमि नाप के लिए गजे सिकंदरी पैमाना प्रारंभ किया जो 30 इंच का होता था। ये याद रखेंगे, भूमि नाप के लिए गजे सिकंदरी किसने प्रारंभ किया, तो सिकंदरी से रिलेट हो गया कि सिकंदर लोदी ने प्रारंभ किया था, ठीक है। प्रारंभ किया, अब कितने इंच का होता था, वो इंच का होता था 30 इंच का होता था। उसके बाद सिकंदर लोदी आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करने का आदेश दे देता है, ठीक है। इसका श्रेय किसको जाता है, फारसी ग्रंथ का, आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करने का श्रेय जो जाता है वो है सिकंदर लोदी को। सिकंदर लोदी ने ही इसका जो फारसी में अनुवाद करने का आदेश दिया था, और इसका नाम रखा गया था क्या, फरहंगे सिकंदरी के नाम से इसे जाना जाता है, सिकंदर लोदी को नहीं जाना जाता। ये जो फारसी में अनुवाद किया गया था क्या चीज, आयुर्वेदिक ग्रंथ का, ठीक है, उसे जाना जाता है किसके नाम से, फरहंगे सिकंदरी के नाम से, ठीक है। और ये किसने आदेश दिया था, तो किसने दिया था, सिकंदर लोदी ने, याद रखें। तो आपको मैं एक कॉमन से इसमें बात बता दूं, कोई आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करने का, ठीक है, जिसका नाम फरहंगे, आपको फरहंगे तो याद नहीं होगा, या मैं भी जानता हूं आप भी जानते हैं बेहतर तरीके से, लेकिन उसके बाद जब आपको एग्जाम में सिकंदरी ऑप्शन मिलेगा फरहंगे सिकंदरी, तो आप तुरंत याद कर लें
ये किसके द्वारा किया गया था? तो सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो सिकंदर लोदी के द्वारा ये चीज किया गया था। फरंगे आपको नहीं याद होगा, फरंगे से आप तिरंगे से याद कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल है, वो आपके बस की बात नहीं है ना मेरे बस की बात है, ठीक है। लेकिन आप हर एक चीज को एक रिलेट करके रख सकते हैं, एक रिलेशन, एक रिश्ता बना के आप याद कर सकते हैं कि आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरंगे सिकंदरी रखा गया था। इसका आदेश देने का श्रेय जाता है किसको? सिकंदर लोदी को। सिकंदर सिकंदरी, ठीक है, ये अच्छी याद रखें। आगे देखें, इसने समय में ज्ञान विद्या के एक ग्रंथ, श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाह की रचना की। अगर मान लीजिए मैं आपका एग्जामिनर हूं, ठीक है, मुझे आपका क्वेश्चन पेपर बनाना हुआ, पीसीएस लेवल का, एसएससी लेवल का, अभी वैकेंसी आ रही है यूपीपी का भी, उसमें भी बहुत ज्यादा अच्छा रोल निभाएगा जो मैं हिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूं। और यकीन ना हो तो एसएससी एमटीएस के पेपर जो अभी खत्म हुए हैं उससे कोई भी सेट आप उठा लीजिए, हर सेट में जहां तक मैंने पढ़ाया है, अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन वहां से बनाया, यकीन माने आपको 2 से 3 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए सेट से आए हुए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कमेंट्स कर दीजिएगा, सर आप मुझसे गलत बता रहे हैं, कि आपने जहां तक पढ़ाया है वहां तक क्वेश्चंस अगर बने हैं तो आपके पढ़ाए हुए से नहीं बने, यकीन माने मैं चैनल आज ही बंद कर दूंगा, इतना चैलेंज है मेरा, ठीक है। तो देखिए एक चीज और याद कर लेंगे आप, कि ज्ञान विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ जिसका नाम था लज्जते सिकंदर शाह की रचना हुई, किसके शासनकाल में हुई? अगर सिकंदर शाह लिखा है तो यकीन मानिए सिकंदर शाह सिकंदर लोदी के ही मतलब शासनकाल में होगी, ठीक है। इतनी चीज आपको याद हो गई होगी। क्या है फरंगे सिकंदरी? क्या था? एक आयुर्वेदिक ग्रंथ था जिसका नाम फरंगे सिकंदरी रखा गया था, ठीक है। उसके बाद देखें किसके आदेश पे हुआ, तो सिकंदर लोदी के आदेश पे किया गया था, ये भी चीज याद रखेंगे आप लोग, सॉरी। फिर एक चीज और है जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स में, खास तौर से जो भी अभी एसएससी के पेपर्स भी होने वाले हैं और बहुत जल्दी यूपीपी का पेपर भी होने वाला है, उसमें ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है, ज्ञान विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाह की रचना हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी, तो वो सिकंदर शाह के शासनकाल में हुई थी। देखिए एक चीज आगे कि 21 नवंबर 1517 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी? सिकंदर शाह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, सिकंदर लोदी की, सॉरी, की मृत्यु हो जाती है कब? 21 नवंबर 1517 ईस्वी को। और इसके बाद साहब बैठते हैं हमारे कौन? इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश के अंतिम शासक सिद्ध होते हैं। इनको मार गिराता है कौन? बाबर। लेकिन यकीन माने जितनी भी सल्तनतें बर्बाद हुई हैं, चाहे वो मुगल साम्राज्य हो, चाहे लोदी साम्राज्य हो, चाहे गजनवी हो, चाहे तुगलक वंश हो, कोई भी ब्राह्मणी समाज हो, कुछ भी हो, सबके बगैर गद्दारी का, बगैर कुछ नाकामी के वजह से कभी भी कोई सल्तनत खराब नहीं हुई। इनकी लाचारी क्या थी? बेचारे थे तो बहुत अच्छे, बहुत लंबी सेना थी। इब्राहिम लोदी की मुझे छोटा सा कहानी में आपको ये बताता चलूं कि इब्राहिम लोदी के पास सल्तनत बहुत बड़ी थी, सेना बहुत बड़ी थी, बहुत ताकतवर था, लेकिन कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, वही हाल है। तो इनके चाचा ने ही इनके साथ पीछे से इनका वार किया और इनको घायल नहीं, वो वाला घायल नहीं, एक ऐसा घायल जो बेचारा ना चल पाए, ना फिर पाए, ना उठ पाए, ना खा पाए, ना भाग पाए। तो क्या हुआ था, इब्राहिम लोदी के कुछ कारणवश इनसे जो है ना इनके चाचा नाराज हो गए, जिनका नाम था क्या? आलम खान। और एक शासक थे पंजाब के जिनका नाम था दौलत खान। इन दोनों ने आपस में एक बातें की, कौन? आलम खान इनके चाचा, और दौलत खान कौन? पंजाब के शासक थे। इन्होंने क्या किया कि इनसे नाराज होकर इन्होंने बाबर को दावत दे दी। बाबर को दावत देने से ये लगा निकला कि जब बाबर को दावत दी गई तो बाबर को ये कहा गया कि बाबर आप आइए और इब्राहिम लोदी को निपटा दीजिए, ठीक है। लेकिन बेचारे इन लोगों को ये नहीं पता कि बाबर इनसे भी ज्यादा खतरनाक इंसान है, ठीक है, और आएगा तो आगे नहीं चलना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें भी निपटाएगा, बाद में मारेगा, तो इनको इसी का अंदाजा नहीं था। आइए पढ़ते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में। इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर बैठते हैं 22 नवंबर 1517। और देखिए 21 नवंबर 1517 ईस्वी को सिकंदर लोदी की मृत्यु होती है, उसके एक दिन बाद ही 22 नवंबर 1517 ईस्वी को इब्राहिम लोदी दिल्ली की सल्तनत, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ जाते हैं, ठीक है। देखिए 22 नवंबर 1517 ये याद रखिएगा।
इब्राहिम लोदी शासक बना, यह दिल्ली का सल्तनत एवं लोदी वंश का अंतिम शासक बनता है। ठीक है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोदी। इसको याद करने का तरीका मैं बताऊं, इब्राहिम लोदी को ही मारा था किसने? बाबर ने। कहां पर? पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में इनको मार गिराया था। डेट क्या थी? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में से 1526 ईस्वी तक शासन करता है। अय्या लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी तथा राणा सांगा के बीच 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध होता है। ठीक है, किसमें? खतौली का युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजय हो जाते हैं। इब्राहिम लोदी पराजय हो जाते हैं और राणा सांगा की इसमें विजय हो जाती है। इसके बाद इनके चाचा साहबुल्ला नाम नहीं है, आलम खान नाम है। ठीक है, साहबुल्ला उसको कहा जाए, जैसे दूसरे इंसान को कमेंट करो ना तो कमेंट्स में बोलते बड़े साहबुल्ला बन रहे हो आप, तो उसकी चीज मैंने बताया कि इनके चाचा, किसके चाचा? इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान तथा पंजाब के शासक दौलत खान ने के इब्राहिम लोदी से नाखुश थे। ठीक है, उनको जलन हो गई थी, नाखुश थे। इसी कारण इन्होंने बाबर को इब्राहिम लोदी से युद्ध करने का निमंत्रण दे देते हैं। ये निमंत्रण ही नहीं देते हैं बल्कि ये हो जाता है कि बाबर अब आया और यहां से लोदी वंश खत्म, और जो सबसे ज्यादा शासन कर लेगा अब कौन? बाबर बैठेगा। ठीक है, लेकिन बाबर को पढ़ने से पहले भी कई चीजें हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बाबर के बारे में पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य। तो निमंत्रण दिया और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम पानीपत का युद्ध होता है। ठीक है, प्रथम पानीपत का युद्ध किसके बीच होता है? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कब होता है? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। ये डेट आप जरूर याद रखें, भूलिएगा नहीं, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, और ये भी पूछ लेता है प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, तो ये भी चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी पड़ेगी, इसकी कोई ट्रिक नहीं है मैं बता दूं। लेकिन हाँ, ये जरूर ट्रिक है कि 1526 में। एक ट्रिक मैं आपको बताता चलूं, जब मैं बाबर आपको पढ़ाऊंगा कि बाबर के बहुत सारे युद्ध हुए हैं, 4-5 युद्ध हैं उसके महत्वपूर्ण, 1526 का, 27 का, 28 का, 29 का, तो 4 युद्ध इसने लड़ा था। ठीक है, वो सारी हम ट्रिक बता देंगे कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो 1530 में इब्राहिम बाबर लोदी की मृत्यु हो जाती है। तो 1526 से लेकर 29 तक ये क्या करता है? आक्रमण करता है। ठीक है, देखें, और इसी युद्ध में, प्रथम पानीपत का युद्ध में, जिसमें बाबर ने तोपों का भारत में पहली बार इस्तेमाल किया था, ये क्वेश्चन बनते हैं कि बाबर द्वारा तोपों का भारत में पहली बार इस्तेमाल किस युद्ध में किया गया था, ये ऐसे क्वेश्चन बनेगा, तो आपको याद होना चाहिए प्रथम पानीपत का युद्ध में। ठीक है, और बाबर दो प्रमुख तोपची थे, बाबर के क्या थे? दो प्रमुख तोपची। कौन कौन थे? एक का नाम अली था, ये भी आपको याद रखना है, और दूसरे का नाम था मुस्तफा, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, आप इससे रिलेट कर लें कि मुस्लिम समुदाय में के सबसे अव्वल और आखिर पैगंबर जिसे माना जाता है हजरत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, और उनके दामाद अली। ठीक है, तो इन दोनों पैगंबर, जो मुस्तफा जो हम नाम लिखा है, तो मुसलमान के जो पैगंबर है उनका नाम है, और मौला अली जो इनके दामाद थे उनका नाम है, इससे भी आप रिलेट करके इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, इसी युद्ध में तुगलमा पद्धति, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट क्या वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखिए। तुगलमा पद्धति का भी प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? तो प्रथम पानीपत के युद्ध में किया गया था। ठीक है, बाबर के क्वेश्चन देखिए, बाबर के दो प्रमुख तोपची का नाम कौन कौन सा है? तो अली और मुस्तफा। ठीक है, पहली बार भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था, किसके विरुद्ध किया गया था? तो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध किया गया था। अब किसके युद्ध, कौन सा युद्ध था वो? तो प्रथम पानीपत का युद्ध। प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखें, किया गया था। इसी कारण बाबर ने इब्राहिम को पराजित कर, बाबर ने किसको? इब्राहिम को पराजित कर दिया और इब्राहिम लोदी को मार डाला।
यही एक ऐसा बंदा था पूरे सल्तनत में जो युद्ध में मारा गया था, वरना कोई भाग गया था, कोई सल्तनत को छोड़ दी थी, कोई तो ऐसे भागा कि उसका वजीर बेचारा संभाला, उसको दोबारा बुला बुला के उसको बैठाया कि आइए हजरत आप मेरे राजा हुजूर हैं, आप आके सल्तनत संभालिए। ठीक है, कुछ तो ऐसे भी शासक हुए थे ना, मैंने आपको इससे पहले क्लास में बताया कि जब उनको उन्होंने ये देखा कि मेरे ऊपर आक्रमण होने वाले हैं तो वो क्या किए ना, पहले ही भाग गए, फुर रस गए। तो उनके वजीरों ने सल्तनत को संभाला और साहब लोगों को बुलाया गया कहां से, बाहर से फिर से बुलाया गया, साहब आइए और राजगद्दी को संभालिए। कुछ तो ऐसे ऐसे सल्तनत राजा हुए हैं जो मैं आपको पिछली वीडियो में इसलिए भी नहीं बताऊंगा ताकि आप पिछली वीडियो जाके देखें, ठीक है, ताकि आपको पूरी चीज क्लियर हो। ऐसे ऐसे भी राजा हुए हैं जो औरतों का कपड़ा पहन के पूरे राजमहल में टहल दौड़ते थे, कभी कभी नंगे ही दौड़ा करते थे, क्या क्या शौक था लोगों का, बेहतर आप भी पढ़ेंगे इसलिए जान जाएंगे। ठीक है, कभी कभी पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ आप लोगों तो मुझे याद आता है और हंसी भी आती है। तो ये एक ऐसा शासक था जो युद्ध में मारा गया था, वरना सब भगदड़ भागने वाले, ठीक है, नाकारे निकम्मे वैसे हुए। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि दिल्ली इब्राहिम लोदी सल्तनत का पहला शासक था जो युद्ध में मारा गया था। यह भी क्वेश्चन बनेगा कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिससे कि मृत्यु युद्ध में हुई थी, तो क्या है, इब्राहिम लोदी। ठीक है, अब इसकी मृत्यु कब हुई, इसकी मृत्यु जो हमने आपको बता दिया बैठा था कब, 22 नवंबर 1517 में। अब कब मारा गया था, तो 21 अप्रैल 1526 में। किसने मारा था, तो बाबर ने मारा था। ठीक है, और इसकी मृत्यु के बाद इससे पूरी सत्ता मुगलों के हाथ में चली जाती है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी, पूरी कहानी मैंने आपको पूरे अच्छे से समझा भी दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो रिक्वेस्ट है कि आप बादाम खाना शुरू कर दें, क्योंकि अब इससे ज्यादा मैं डीप आपको क्या पढ़ाऊंगा, ये पीसीएस लेवल तक के मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, और यहां से सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बेहतर होगा कि आप अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ें और उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नए क्लास में नए उमंग नए जोश के साथ, तब तक लिया अपना ख्याल रखें, जय हिंद।